दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य, आप देख रहे हैं प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल। गोदी मीडिया से बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। गोदी मीडिया का सबसे बड़ा चैनल है आज तक, आज तक की सबसे बड़ी स्टार एंकर है अंजना ओम कश्यप। चैनल के माध्यम से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जनता की नब्ज को पूछने के लिए अंजना ओम कश्यप पहुंचती हैं उत्तराखंड के हरिद्वार में। उत्तराखंड में जब पहुंचती हैं तो पहले ही दिन पहले ही शो में अंजना ओम कश्यप का घेराव शुरू हो जाता है। घेराव में गोदी मीडिया को लेकर, अंजना ओम कश्यप को लेकर, पूरे मीडिया समाज को लेकर जनता क्या कहती है आप अपने सामने सुनिए। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपनी राय जरूर दीजिए। और पहले आपको मैं पूरी खबर दिखाता हूं, पहले आप यहां पर थोड़ा सा देखिएगा। आप यहां देख सकते हैं सीधा सीधा जनता नाराज है। जनता कह रही है गोदी मीडिया वापस जाओ, गोदी मीडिया दलाली बंद करो, जूते मारो, फलाना फलाना तमाम चीजें। ऐसे बड़े बड़े एंकर, जो बहुत बड़े एंकर हैं, जिनके पास करोड़ों अरबों की कमाई होती है, ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती, क्योंकि जनता के मुद्दों को दफन कर दिया गया है। जनता के मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार बनी है, चरण वंदना में लीन है। चरण वंदना में लीन ही नहीं, 400 के सपने को दिखा रहे हैं। टेलीविजन पर सिर्फ 400 का नारा चल रहा है, जो असंभव है। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 चल रही है टेलीविजन पर, जो असंभव है। और गोदी मीडिया को लोग क्या क्या कह रहे हैं उसको भी मैं आपको सुनाता हूं, पूरी वीडियो में बने रहिए। सूरज सिंह कहते हैं आज दलाली में बिकी हुई मीडिया का यही हाल होना चाहिए। पूरे देश में किसी पार्टी से इन्हें विरोध चाहिए। ये अपने मनमानिक तरीके से न्यूज का प्रोग्राम पेश करते हैं, जैसे ही न्यूज का कोई नाटक चल रहा हो। अगले घनश्याम यादव जी कहते हैं वर्तमान मीडिया को उनकी औकात दिखाने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है। यह अत्यंत हर्ष की बात है, जनता देश के गद्दारों को पहचान गई है। इनका ऐसे ही बहिष्कार होना चाहिए, तभी इनको अपने कर्तव्यों का एहसास होगा। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो जमीर जगाओ। उसके बाद और लोग क्या कहते हैं, तमाम लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं। तो शैलेंद्र सिंह कहते हैं दलाल मीडिया के लिए अच्छा कदम, इनको ऐसे ही आईना दिखाना चाहिए समाज को। इसके बाद और कहते हैं नाउज कहते हैं ऐसा कभी नहीं देखा लालची मीडिया, दलाल मीडिया। मीडिया को लेकर के कहीं ना कहीं गांव में, गलियारों में, जो गांव की राजनीति होती है, जो लोग बातचीत करते हैं, साफ साफ बोलते हैं मीडिया बिका हुआ है। अधिकतर लोगों के यहां टेलीविजन जो है, जिस टेलीविजन पर लोग शौक से वीडियो देखते थे, शौक से न्यूज़ सुनते थे, आज के समय में मैं देख रहा हूं लोग टेलीविजन पर न्यूज़ देखना लगभग बंद कर चुके हैं, क्योंकि सीधा और सीधा एक बात परोसी जाती है, जो कुछ है मोदी जी हैं, उनके अलावा कोई नहीं। पूरा प्रोग्राम पहले से सेट होता है, उसी प्रोग्राम पर वीडियो बनाया जाता है, उसी प्रोग्राम को बार बार लाइव प्रेजेंट किया जाता है। अब आप खुद बताइए कि ऐसे बड़े बड़े पत्रकारों के ऊपर कम से कम सरकार को, सरकार क्या करेगी, कोर्ट को,
जुर्माना लगाना चाहिए। हालांकि कई बार जुर्माना भी लगा है, लेकिन ये लोग शर्म हया को सब बेच चुके हैं। तो ऐसे लोगों को ऐसे सबक सिखाने की जरूरत है। आपकी जो राय है आप कमेंट करके जरूर बताइए।